सो हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यदि आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कभी कभी होता यूं है, या फिर आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं तो आप ये प्रोसेस करते हैं। सिंपल नहीं, अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा ओपन करते हैं और जो डॉक्यूमेंट भेजना है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या फिर अन्य कोई भी दस्तावेज हो, आप सिंपल नहीं उसका फ़ोटो क्लिक करते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए आप उसे सेंड कर देते हैं। इसमें होता यह है कि आप जो फ़ोटो क्लिक करते हैं उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है और आपका काम भी रुक सकता है या फिर रुक भी जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को बिल्कुल डिजिटल फॉर्मेट में स्कैन कर पाएंगे, वह भी बिल्कुल फ्री में। कैसे स्कैन करना है, क्या क्या प्रोसेस है, कौन सा एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है, सारा जानकारी इस वीडियो में दिया गया है। तो स्कैन करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को हम इस्तेमाल करेंगे एडोब का स्कैनर। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं टेक सीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस से संबंधित जानकारी बिल्कुल सरल भाषा हिंदी में और फ्री में दी जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, सिंपली आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको ओपन बटन पे क्लिक करना है और ओपन जैसे ही करेंगे तो अब आपके सामने इस एप्लीकेशन का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहां से आप गूगल से साइन कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं और आईफोन से कर सकते हैं। तो आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे साइन इन कर लें। और इसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। सिंपली आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लेट्स गो पे क्लिक करेंगे तो और आपको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे आपका कैमरा जो है ओपन हो जाएगा। ये कैमरा जो है ओपन हो चुका है। सिंपली आपको होम बटन पे चले आना है और इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले यदि आपने कोई काम किए होंगे तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे स्कैन करना चाहते हैं तो नीचे में कैमरा का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली आपको इस कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद से आपके सामने आपका मोबाइल ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से लेकर अटैच कर लेना है जो आप स्कैन करना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं यहाँ पर आपको एक बुक जो है इसको स्कैन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गेस है, तो अपने अनुसार से इसको अच्छे से फिट कर लें और इसके बाद से आपके सामने यहाँ पे ड्रैग का ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। आप अपने अनुसार से इसको कितना चाहते हैं यहाँ पे सारा कुछ देख लें और उसके बाद से इसमें जो है कीप स्कैनिंग का बटन है, इस पर क्लिक कर दें और यह स्कैन हो जाएगा या अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आपका फ़ोटो होगा, बस आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो स्कैन किया उसका क्वालिटी कितना अच्छा दिख रहा है। तो सिंपल नहीं आपको ऊपर में सेव पीडीएफ दिखेगा। सिंपल नहीं आप सेव पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो यह पीडीएफ में सेव हो जाएगा और आप शेयर करना चाहते हैं तो ऊपर में शेयर का भी बटन है, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके और नीचे में आप लिंक शेयर करना चाहते हैं, ईमेल पे भेजना चाहते हैं या फिर इसका कॉपी भेजना चाहते हैं, सारा कुछ यहाँ से कर सकते हैं। काफ़ी आसान है यहाँ से इसको मैनेज करना। आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो टेक सीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटा का बटन आएगा उसे आप दबा दें ताकि इस चैनल पर जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।